नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 14 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोविड 19 के मिले 500 से कम मामले। सुशांत सिंह राजपूत को मनोज वाजपेयी ने किया याद। उत्तर बिहार के जिलों में मौसम में दिखा बदलाव। जुलाई महीने से खुल सकते हैं शिक्षण संस्थान। केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर जदयू की मांग पर भाजपा ने दिए संकेत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय सेना के लिए बिहार में होगी बहाली। भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले बिहारवासियों के लिए खुशखबरी। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में अगले 28 जनवरी से 22 फरवरी 2022 के बीच 8 जिलों की सेना बहाली आयोजित की जा सकती है। सेना मुख्यालय ने इसको लेकर जोन वाइज बहाली की तारीख जारी कर दी है, जिसके बाद इच्छुक और योग्य उम्मीदवार मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले के युवा सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहाली का समय नजदीक आने पर ARO समाचार पत्रों के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रकाशित करेगी। बिहार में कोविड 19 के मिले 500 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 487 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 5311 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 12, अरवल में 4, औरंगाबाद में 6, बांका में 1, बेगूसराय में 17, भागलपुर में 5, भोजपुर में 8, दरभंगा में 21, ईस्ट चंपारण में 13, गया में 6, गोपालगंज में 45, जमुई में 3, जहानाबाद में 1, कैमूर में 2, कटिहार में 25, खगड़िया में 2, किशनगंज में 18, लखीसराय में 11, मधेपुरा में 18, मधुबनी में 12, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 17, नालंदा में 11, नवादा में 4, पटना में 37, पूर्णिया में 31, रोहतास में 5, सहरसा में 13, समस्तीपुर में 29, सारण में 19, शेखपुरा में 18, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 11, सुपौल में 28, वैशाली में 14, वेस्ट चंपारण में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 110,037 सैंपल की जांच की गई है। वहीं कुल मिलाकर 868 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। शिक्षक बहाली को लेकर आवेदन पर निगरानी का जारी हुआ आदेश। कुछ समय पहले ही पटना हाईकोर्ट की तरफ से शिक्षक बहाली का रास्ता साफ किया गया है, जिसके बाद अब दिव्यांग अभ्यर्थियों से आवेदन की मांग की गई है। इसी को लेकर बिहार सरकार ने शिक्षा पदाधिकारियों को आवेदन की निगरानी करने का निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग की तरफ से सभी 8,500 नियोजन इकाइयों की व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सौंप दिया गया है। ज्ञात हो, प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के तौर पर हो रही बहाली में छूटे दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, जिसके लिए नियोजन इकाईवार, कोटिवार और विषयवार रिक्तियां जिले के NIC की वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। जुलाई महीने से खुल सकते हैं शिक्षण संस्थान। कोविड 19 की चपेट में आए शिक्षण संस्थान को जुलाई महीने से राहत मिल सकती है, इस बात के संकेत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिए। इस बाबत उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय की तरह ही अगर कोविड 19 की हालत में सुधार आता रहा तो जुलाई में शैक्षणिक संस्थान अपनी सामान्य क्लास फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि उन्हें कोविड 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके साथ ही पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई को लेकर उन्होंने कहा, कोविड 19 के कारण कक्षाओं के नुकसान की भरपाई के लिए शिक्षा कुछ विशेष उपाय जरूर करेगा। जब स्कूल फिर से खुलेंगे तो नियमित कक्षाएं शुरू होंगी, तो उससे पहले से छात्रों की मदद के लिए कुछ क्रैश कोर्स आयोजित किए जाएंगे। उत्तर बिहार के जिलों में मौसम में दिखा बदलाव। इस बार समय से पहले बिहार के कई जिलों में मानसून की बारिश देखने को मिली है। वहीं उत्तर बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जानकारों की माने तो आज पूरी तरह मानसून सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके कारण पूरे बिहार में झमाझम बारिश होगी। मौसम विज्ञानी डॉक्टर A. सत्तार की माने तो पूर्णिया के रास्ते मानसून दरभंगा तक पहुंच चुका है। आज यह पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग की माने तो 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस दौरान पूर्वा हवा चलेगी। बीते दिन रविवार को सुबह से ही आसमान में बादल देखने को मिले। सुबह में हालांकि मौसम साफ था, लेकिन दिन होते ही बादलों ने इसे घेर लिया और कुछ इलाकों में बारिश भी हुई। हालांकि इस बार मॉनसून अपने पूर्वानुमान से पहले बिहार में दस्तक दे चुका है, जिससे बिहारवासियों को गर्मी से काफी राहत मिली है। बिहार के मंदिरों की सुरक्षा में लगाए जाएंगे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल। बिहार में मंदिरों और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा में अब लगाए जाएंगे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल। बिहार में मंदिरों और पर्यटन स्थल की सुरक्षा में अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल राजधानी पटना के महावीर मंदिर समेत अन्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। इसको लेकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनाती की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही
गया के विष्णुपद मंदिर, पटना सिटी गुरुद्वारा विक्रमशिला के सुरक्षा की कमान भी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जिम्मे होगी, जिसके तहत अब राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों में तैनात विशेष सशस्त्र पुलिस को उस परिसर में ही बिना वारंट की गिरफ्तारी का अधिकार होगा, लेकिन बाहर नहीं होगा। अगर परिसर में ही किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करती है तो उसे तत्काल वहां मौजूद स्थानीय पुलिस अधिकारी स्थानीय थाने को सुपुर्द करना होगा। इसके साथ ही विशेष सशस्त्र पुलिस के अधिकारी को गिरफ्तारी की वजह भी साझा करनी होगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामकृष्ण बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी नेता, संपादक और हिंदी लेखक थे। उनका जन्म भारत के बिहार राज्य में एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में बेनीपुरी नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए 9 साल जेल में बिताए थे। वो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने 1937 के भारतीय प्रांतीय चुनाव के दौरान 1935 से 1937 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पटना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। एसएसबी और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में चाइनीज सेब हुए बरामद। बिहार में बीते दिन एसएसबी और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चला। इस दौरान सुपौल जिले में 3 ट्रक चाइनीज सेब को बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मौके से सेब लादे हुए 3 नेपाली ट्रक के अलावा 3 भारतीय ट्रक, 2 बाइक और 1 कार को भी जब्त किया गया है। खबरों की माने तो बिहार मद्य निषेध पटना कंट्रोल रूम के जरिए शराब की खेप भारतीय सीमा में आने वाली की खबर सामने आई थी। इसी सूचना पर एसएसबी कमांडेंट के नेतृत्व ने जब सर्च अभियान चलाया तब चाइनीज सेब से लदे नेपाली नंबर के 3 ट्रक को पकड़ा गया। पटना में पुलिस से संपर्क करना होगा आसान। राजधानी पटना में पुलिस से संपर्क करना अब और ज्यादा आसान होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए और अपराधियों को समय पर पकड़ने के लिए राजधानी क्षेत्र में 8 नए थाना भवन का निर्माण करवाया जाएगा। नए भवन के लिए पटना शहरी क्षेत्र 0.50 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। भूमि के लिए अलग अलग विभाग से अनापत्ति मांगी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में भी 8 नए थाना भवन के लिए अंचल पदाधिकारी को जमीन उपलब्ध कराने की जानकारी दे दी गई है। सरकारी दिशा निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1 एकड़ और शहरी क्षेत्र के लिए 7 डेसिबल तक थाने के लिए भूमि अर्जन करना है। जिलाधिकारी ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए विहित प्रक्रिया के तहत भूमि उपलब्ध कराने को कह दिया है। बिहार से वैष्णव देवी के लिए शुरू हो रही है 2 साप्ताहिक एक्सप्रेस। बिहार से वैष्णव देवी जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। कोविड-19 के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसी क्रम में बिहार से माता वैष्णव देवी जाने वाली 1 साप्ताहिक ट्रेन को फिर से 17 जून और दूसरी को 27 जून से शुरू किया जा रहा है। बरौनी कटिहार रेल लाइन पर 2 और साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन का फैसला किया गया। ट्रेन संख्या 05621 प्रत्येक गुरुवार को 17 जून से कामाख्या से खुलेगी। यह नवगछिया, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर से होते हुए आनंद विहार स्टेशन तक जाएगी। फिर ट्रेन संख्या 05622 आनंद विहार से प्रत्येक शुक्रवार को वापस लौटेगी, जो हाजीपुर से होते हुए नवगछिया और कामाख्या स्टेशन तक जाएगी। नवगछिया स्टेशन पर दोनों ट्रेनों का ठहराव मात्र 2-2 मिनट के लिए होगा। विदेशी पक्षियों का आगमन हुआ शुरू। हजारों किलोमीटर दूर से इन दिनों साइबेरियन पक्षी का भारत आना शुरू हो गया है। आपको बता दें, वो ठंड से बचने के लिए इस समय भारत में आते हैं। इन दिनों नालंदा जिले के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में थाना परिसर में भी हजारों की संख्या में साइबेरियन पक्षियों का आशियाना बना हुआ है। आपको बता दें कि भयानक ठंड से बचाने के लिए साइबेरियन पक्षी साइबेरिया इलाके से उड़ान भरकर यहां पहुंचते हैं। अपने देश से भारत आने में आंधी तूफान में पक्षियों की जान भी चली जाती है। वहीं हर साल भयानक ठंड से खुद को बचाते हुए यह पक्षी भारत की तरफ रुख करते हैं। पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो हवा में भी उड़ता है और पानी में भी तैरता है, जिसका रंग सफेद होता है। कोविड-19 को लेकर सऊदी अरब सरकार ने मक्का यात्रा करने वालों को नहीं दी इजाजत। हज यात्रा पर इस साल भी कोविड-19 का साया बरकरार है। कोविड-19 के कारण सऊदी अरब सरकार ने बाहरी लोगों को हज के लिए इजाजत नहीं दी है। इसमें हिंदुस्तान के जायरीन हज यात्रा इस बार भी नहीं कर सकेंगे, इससे उनमें मायूसी है। बिहार हज कमेटी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद इलियास हुसैन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सऊदी अरब में हज के लिए बाहरी मुल्कों के लोगों पर रोक लगा दी गई है। इस साल हज पर जाने के लिए पूरे बिहार से 5,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अरब सरकार ने बाहरी देश से आने वाले लोगों को हज यात्रा की अनुमति नहीं दी और इसका कोई निर्देश नहीं मिलने की वजह से रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों से खर्च की राशि नहीं ली गई थी।
15 जून से 4 जिलों के लिए शुरू होगी बस सेवा। 15 जून से 4 अन्य जिलों के लिए बस सेवा की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत नालंदा, नवादा, शेखपुरा और जमुई की बसों का सुव्यवस्थित परिचालन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल बैरिया से सुनिश्चित करवाया जाएगा। इस बाबत जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ मिलकर तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को पूरी तैयारी समय पर पूरा करने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने द्वितीय चरण के तहत 4 जिलों के लिए बस सेवा नियत तारीख को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधियों के साथ ISBT में बैठक भी की। बैठक के दौरान पार्किंग व्यवस्था, काउंटर व्यवस्था, सर्विस स्टेशन, फेरी सेवा, ट्रैफिक व्यवस्था, शौचालय, पेयजल सहित यात्री सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया तथा प्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव समस्या के बारे में जानकारी ली गई। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी पर मनोज बाजपेयी समेत दोस्तों ने किया याद। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली बरसी है। आज ही के दिन साल 2020 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। वहीं आज जहां एक तरफ सुशांत के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं सुशांत की पहली बरसी पर सुशांत के दोस्तों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। सुशांत के दोस्तों का कहना है कि सुशांत हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए तत्पर रहता था। वो बिहार के विकास को लेकर भी हमेशा बात किया करता था। वो लोगों की सेवा करना चाहता था। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत को अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी याद किया है। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान मनोज बाजपेयी ने बताया कि सुशांत को सितारों और ग्रहों में काफी दिलचस्पी थी। वो आकाश गंगा और ग्रहों के बारे में समझता था। शूटिंग के दौरान भी वो अपना टेलीस्कोप साथ लाया था, हम भी उस टेलीस्कोप से देखा करते थे। बिहार के पंचायतों में परामर्शी समिति में शामिल अधिकारियों की जा सकती है कुर्सी। कोविड-19 के कारण पंचायत चुनाव का आयोजन नहीं करवाया गया, जिसके कारण ही परामर्शी समिति ने कई जगह पर काम शुरू करना शुरू कर दिया है और कई जिलों में 15 तारीख के बाद से काम करने लगेगी। हालांकि इन सबके बीच पंचायत में गठित परामर्शी समिति के अधिकारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत परामर्शी समितियों के संचालन को लेकर तय दिशा निर्देश में प्रावधान किया गया है कि लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष और सदस्यों को पद से हाथ धोना पड़ेगा। अहम यह है कि 6 महीने तक फरार रहने की स्थिति में कुर्सी भी जा सकती है। वहीं फंड निकासी को लेकर भी संयुक्त हस्ताक्षर का प्रावधान किया गया है। ऐसे में ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति और जिला परिषद में किसी भी फंड की निकासी संयुक्त हस्ताक्षर से सुनिश्चित करनी होगी। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल पूरा होने से ठीक बाद अगले दिन से परामर्शी समिति को 4 स्तर पर स्थानीय सरकार चलाने का निर्देश दिया गया है। परामर्शी समितियों में ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति और जिला परिषद के भंग होने की तारीख को कार्यरत सदस्य भी शामिल होंगे। अब रात में भी रेलवे पुलों एवं ट्रैकों की होगी पेट्रोलिंग। बारिश को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत मॉनसून के दौरान होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए पूर्व मध्य रेल बाढ़ की स्थिति में जब रेल परिचालन बाधित हो तो जल्द से जल्द रेल परिचालन को पुनर्बहाल किया जा सके, इसकी कोशिश में जुट गया है। जिसके तहत ही बारिश के दौरान रेल पुल अथवा रेलवे ट्रैक के आसपास जल जमाव नहीं हो, इसके लिए ही अधिकारियों की देखरेख में लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए चयनित स्टेशन पर पत्थरों के बोल्डर, स्टोन, डस्ट, सीमेंट की खाली बोरियां, बांस बल्ली आदि पर्याप्त मात्रा में तैयार रखे गए हैं। साथ ही सभी कलवर्ट की सफाई की गई है। साथ ही रेलवे ट्रैक पर पानी जमा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। दिवाली से पहले बिहार में होगी 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। लंबे इंतजार के बाद 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का शुभ मुहूर्त दिवाली से पहले निकल सकता है, इस बात के संकेत बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिए हैं। जी बिहार के बिहार ई विमर्श में राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अलग अलग मसलों पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दिवाली के पहले ही शिक्षकों का नियोजन होगा और विभाग ने इसके लिए अपनी तरफ से प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही चौधरी ने कहा कि पूरी दुनिया में साइकिल योजना की चर्चा हुई है। उन्होंने कहा 2012 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कार्यक्रम के दौरान बतौर जल संसाधन मंत्री हिस्सा लेने के लिए गया था। वहां हमसे पहला सवाल साइकिल योजना से ही पूछा गया था। संभावित बाढ़ को लेकर बिहार में शुरू हुई तैयारियां। मॉनसून के शुरू होते ही बाढ़ की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि संभावित बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार पहले से ही तैयार है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बीते दिन बागमती नदी तटबंध का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और आने वाले एक सप्ताह में सभी काम को पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि इन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में काम किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर जदयू की मांग पर भाजपा ने दिए संकेत। संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। इसी क्रम में जदयू की तरफ से बीते दिन RCP सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू को हिस्सेदारी देने की मांग की थी, जिसके बाद अब भाजपा की तरफ से भी शुभ संकेत मिले हैं। इस बाबत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर हमेशा से बिहार पर रही है। गौर करने की बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जल्द बदलाव हो सकता है। आपको बता दें, NDA में जदयू के 16 सांसद शामिल हैं। ऐसे में जदयू ने केंद्र में शामिल होने की बात कही है।
बिहार में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को साधने की हो रही है कोशिश। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने अब दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद अब उनके बेटे ओसामा साहब जल्द ही राजनीति में एंट्री मार सकते हैं। उनकी राजनीति में आने की संभावनाओं को देखते हुए कई राजनीतिक पार्टी लगातार उनसे समीकरण साधने में लगी हुई है। पहले राजद, फिर AIMIM और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि सिंह कुशवाहा ने सिवान पहुंचकर दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की है, जहां पर दोनों के बीच घंटों तक बातचीत चली, जिसके बाद नागमणि ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि यदि ओसामा चाहेंगे तो नया समीकरण बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में दिवंगत शहाबुद्दीन की शोक सभा का आयोजन करवाया जाएगा। जन अधिकार पार्टी ने निकाला लोक न्याय मार्च। जनता की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए बीते दिन जन अधिकार पार्टी ने लोक न्याय मार्च निकाला था। इसमें 5 सूत्री मांग पार्टी की तरफ से रखे गए थे, जिसके तहत पप्पू यादव की रिहाई, पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने, कृषि को मनरेगा से जोड़ने, बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की गई, जिसके तहत यह मार्च पटना जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद यादव और टिंकू यादव के नेतृत्व में पटना आर्ट कॉलेज से तारामंडल तक निकाली गई, जिसमें जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सरकार से जनता के बीच 5 सूत्री मांगों पर अमल करने की अपील की है। इस बाबू जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व विधायक भाई दिनेश ने कहा कि हम इस न्याय मार्च के जरिए सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की बदहाल स्थिति सुधारने के लिए मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जाए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। डॉक्टर सीवी रमन को क्रिमिनल में लेनिन शांति पुरस्कार 1958 में आज के दिन दिया गया था। जांच आयोग ने 2001 दीपेंद्र को ही शाही परिवार का हत्यारा बताया था। केंद्र सरकार ने 2008 में अलग गोरखालैंड राज्य के निर्माण की संभावना को खारिज किया था। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 96 मीट्रिक टन के सोने की खान का पता आज के दिन चला था। विशाखापट्टनम में 2012 को भारतीय इस्पात संयंत्र में विस्फोट के कारण 11 लोगों की जान चली गई थी। आदित्य बिरला समूह के भारतीय उद्योगपति और अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला का जन्म 1967 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञान कार्य माणि विकम श्रीनिवास कृष्णन का निधन 14 जून 1961 को हुआ था। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत ने भी साल 2020 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के लिए वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा को दिए कुछ खास टिप्स। 18 जून से भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला खेलती नजर आएगी। हालांकि मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को टिप्स दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में काफी क्रिकेट खेला है और उनका यह अनुभव टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में काम आएगा। 5 से 10 ओवर तक अगर आप संभल कर बल्लेबाजी करें और क्रीज पर सेट हो जाए तो फिर आप आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके साथ ही सहवाग ने विराट कोहली को नसीहत देते हुए कहा कि पिच पर थोड़ा धैर्य दिखाने की आपको जरूरत है। मनोज बाजपेयी समेत रवि किशन ने भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर कही बड़ी बात। अपने पिता के तबियत खराब होने पर बिहार आए मनोज बाजपेयी ने मीडिया से बातचीत के दौरान भोजपुरी की अश्लीलता पर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो अभी इस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं, वो कभी इस बात पर फुर्सत से बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने भोजपुरी फिल्म और गानों के माध्यम से समाज में फैलाई जा रही अश्लीलता पर रोक लगाए जाने को लेकर बड़ी पहल की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन को भी पत्र जारी किया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,730 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,730 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 72,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 98.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.83 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पप्पू कुमार, दीपक जोशी, शंकर मुखिया, कुमार अभिषेक, कार्तिक कुमार, पंकज कुमार, मोहम्मद अरफान, जिया खान, जय कुमार, रवि कुमार, आनंद सिंह, शिव प्रकाश यादव, अभय कुमार, रवि रंजन सिंह, दिलीप घोष। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ प्रकार है, आज सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।